हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक की नोट्स देने आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है कि प्राइमरी प्रोडक्शन मेथड ऑफ मेजरमेंट। यह एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेम का टॉपिक है। और ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं इसको एक्सप्लेन कम करूँगा क्योंकि जो वीडियो होती है वो लेंथी हो जाती है। तो आज इसको मैं ओनली आपको नोट दे देता हूँ और इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? इकोलॉजी में जो प्राइमरी प्रोडक्शन है, वायुमंडल या जलीय CO2 से कार्बनिक यौगिक का सिंथेसिस है। यह मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस की क्रिया के माध्यम से होता है, जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम इसकी मेथड देखते हैं कि मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो प्रोडक्टिविटी को आमतौर पर उस दर के रूप में मापा जाता है जिस पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में ऊर्जा या बायोम का उत्पादन होता है। प्रोडक्टिविटी इज यूजुअली मेजर्ड एज द रेट एट विच एनर्जी और बायोम इज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसे एक्सप्रेस्ड किलो कैलोरी पर एम स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इसको क्या बोलते हैं, GPP को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और NPP को बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, इसका लिख देता हूँ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको सीधा सीधा नोट ही देता जाता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक सिस्टम की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको मापने के कुछ तरीके हैं, जैसे क्या क्या है, लाइट एंड डार्क वाटर मेथड, रेडियो एक्टिव ट्रेसर मेथड, क्लोरोफिल कंसनट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लक्स, और क्या है, हार्वेस्ट एनालिसिस मेथड और डायमेंशन एनालिसिस। इसके बाद जो लाइट एंड डार्क वाटर रिएक्शन, इसमें क्या है, ऑक्सीजन मापन होता है। ठीक है, तो इसका भी आप लेते जाइए आप सीधे सीधे स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप। यहाँ पर जो फिक्सेशन है, यहाँ पर पूरा फिक्सेशन लिखा है, स्टेप की वजह से नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, फिक्सेशन। ठीक है, और लेते जाइए आप स्क्रीनशॉट। ये एक्सपेरिमेंट होगा वो लाइट डॉट डार्क और लाइट बॉटल वाला, कैसे क्या होता है इसमें, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि नहीं। जैसे डार्क बॉटल में ऑक्सीजन की गिरावट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर द्वारा रेस्पिरेशन की मात्रा को, अब इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसको। ठीक है, इस सेकंड पेज का देख लीजिए, ऊपर तो नहीं छूट गया। ये उसके आगे का, यहाँ पर रेस्पिरेशन लिखा है, RES रेस्पिरेशन लिखा है। इनिशियल फाइनल वैल्यू, ये वैल्यू भी दी है। ठीक है, ये भी देख लीजिए आप। इसके बाद इसकी लिमिटेशन है, इसकी सीमा है इस मेथड की। ठीक है, लाइट बॉटल की, और देखते जाइए आप। एक सेकंड मेथड आ गई, रेडियो एक्टिव ट्रेसर मेथड, सीधा सीधा आप स्क्रीनशॉट ही लेते जाइए। इसका ये नेक्स्ट पेज है, इसको भी देख लीजिए। ये तीसरी मेथड आ गई, क्लोरोफिल कंसंट्रेशन वाली मेथड, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिर से नेक्स्ट मेथड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लक्स वाली मेथड है, इसको भी आप जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
ये वाला पेज भी पूरा हो गया। नेक्स्ट पेज, ये जो पांचवी मेथड है वो है हार्वेस्टिंग मेथड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पूरा पेज नहीं आ रहा पूरा, इसलिए आप शॉर्ट शॉर्ट भी लेते जाइए। ये वाला पेज भी कंप्लीट, और ये पांचवी मेथड भी हो जाएगी। ये डायमेंशन मेथड, ये जो हार्वेस्ट टेक्निक देखी थी उसका ही मॉडिफाइड है, जो डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं इसको। इसके बाद लास्ट वाली मेथड जो क्या है, बम्प कैलोरी मीटर मेथड, बम्प कैलोरी मीटर मेथड, ये हो जाएगी हमारी लास्ट वाली मेथड। ठीक है, बम्प कैलोरी मीटर वाली मेथड। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिए अच्छे से, इसमें थ्योरी इतनी ही लिखी है। इसके बाद इसका डायग्राम लिया, तो डायग्राम डायग्राम में पता ही है डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये पूरा डायग्राम है, का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग।